देख पा रहे हैं मेरे चैम्पियनशिप 24x7 में, ये आप लोग परिक्रमा इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में आज हम खड़े हैं दोनांग छोए फॉरलिंग गुम्बा या गुरुम बस्ती में है। यह गुम्बा 1960 ईस्वी से है। इस गुम्बा में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और अच्छे अच्छे संत महात्मा आकर के अपने प्रवचन दे करके लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। ऐसे ही हमारे बीच एक गुरुजी आज उपस्थित हुए हैं, गुरुजी जिनको हम सब देखेंगे और देख करके सौभाग्यशाली बनने का यह अवसर को नहीं गंवाएंगे। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को देखते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आज भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है। आज ही के दिन 2567वां जन्म दिवस है ये। आज ही के दिन भगवान बुद्ध निर्वाण भी प्राप्त किए थे और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। हम सभी कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं इस वीडियो को देख करके। आप सबका दिन शुभ हो, भगवान बुद्ध का कृपा दृष्टि प्यार और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। आप सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, समाज में भाईचारा को बढ़ाएं और सबसे मिलजुल करके रहें, सबका जीवन प्रसन्नचित रहे। हम शरणम गच्छामि दानम शरणम गच्छामि, जय भगवान। शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में मैं पंकज, आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल के सौजन्य से दोनांग छोए फॉरलिंग गुम्बा या गुरुम नगर गुरुम बस्ती में स्थापित है। और यह आज जो है एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। यह गुम्बा आपका, आपको मैं जैसे कि बता दूं, बैनर में जिस तरह से लिखा हुआ है 1960 का यह पुराना गुम्बा है, जिस गुम्बा से आज भगवान बुद्ध का एक भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। और यह शोभा यात्रा जो है आपका, मैं आपको बता दूं, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। ये शोभा यात्रा कहाँ से आ रहा है? ये गुरुम बस्ती जी नगर से जी शोभा यात्रा चल रहा है जी। तो वापस तो आप लोग ये परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक किए? ये था गुरुम बस्ती जी बौद्ध मंदिर से लेकर आपका हेरिटेज, यहाँ पर हेरिटेज से होकर जी वापस जा रहे हैं। ओ, अभी ये हेरिटेज तक जाएगा यानी सिलीगुड़ी जंक्शन? हाँ हाँ। अच्छा, होटल हो गया फिर। क्या नाम है आपका? मेरा एनके रामा। आपका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया में ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में। मैं पंकज, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आज ये बाबा बुद्ध भगवान का कितना नंबर ये बढ़ते हैं, जैसे कि 2567 बताया जा रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए ना। सेम टू यू। थैंक यू दादा। आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के सौजन्य से तमाम हमारी माता बहनें इस कड़ी धूप में भी भगवान बुद्ध से कितना प्यार करती हैं, कितना समर्पण है इनके अंदर, श्रद्धा और विश्वास है कि ऐसे धूप के भी अवसर में भी इन्हें धूप नहीं लग रहा है, उसका कोई परवाह नहीं है। और ये इतने एनर्जेटिक होकर के, एक्साइटेड होकर के सभी पूर्ण करके वापस आ रही हैं। और ये देख रहे हैं हमारे कैमरे के सौजन्य से तमाम माताएँ बहनें, इन्हें ना धूप थका सकता है, ना मौसम का कोई भी थपेरा इन्हें रुका सकता है, क्योंकि इनके अंदर एक अलग ही आत्मशक्ति, विश्वास और प्रभु के प्रति एक सच्चा भक्ति है। उसी के विश्वास और आस्था साफ इनके चेहरे पर झलक रहा है। चैनल के सौजन्य से ये छोटे छोटे बच्चे भी कितना उत्सुकता के साथ में, कस तो लगे तो बुलाए, राम लगे हो, ये आप देख रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे, अंकल, आंटी, माताएं, बहनें सबको एक साथ पंक्तिबद्ध तरीके से स्वागत है आपका द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया में, द ग्लोबली न्यूज अपडेट में और बीबीसी 24/7 में। तो आपका क्या नाम है? हमारा गोपाल लामा। तो गोपाल सर, हमको बताइए, आज जो ये शोभा यात्रा निकला है भगवान बुद्ध का, हमने एक भक्त से बात किया तो पता चला कि आज के दिन तीन चीज भगवान बुद्ध के जीवन में हुआ है, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। गौतम बुद्ध जो है, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ नहीं है, विश्व में गौतम बुद्ध जो बुद्ध धर्म है फैला हुआ है जी जी। तो आज गौतम बुद्ध का 2567 जन्म जयंती है जी। इस जन्म जयंती इसके कारण बहुत महत्वपूर्ण है, कारण इसी दिन गौतम बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया था, मृत्यु हुआ था, इसी दिन उसका आलोकित बौद्ध का प्राप्त हुआ जी जी। तो इसलिए उसके जो हम लोग को बौद्ध लोग आदमी लोग के लिए जी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज के पावन पावन दिन है जी। और बौद्ध बुद्ध ने जो प्रकार किया उसे एकदम हम लोग को आम आदमी के लिए जो अहिंसा है जी नहीं जी, वो जो सद्भावना है जी, जो भाईचारा है, वो जो सहनशीलता है जी, ये सब पालन करना है, छोटा छोटा चीज़ है जी, ये सब पालन करने के लिए। और सिलगुड़ी तो आपको पता है एक बहुत बड़ा काम है जी जी जी, बहुत बहुत मकदार आदमी रहता है जी। हम लोग सब एक हम विश्व में एक मानवता एक मानस रहने के लिए जी हम लोग का एक प्रचार है, सब हम लोग भाई भाई है, सब मिलकर रहना है, सहनशीलता करना है, अहिंसा नहीं कर अहिंसा अपना यही सब है। गोपाल सर से मैं पंकज एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा, आज जो भगवान बुद्ध का ये बुद्ध बर्थ एनिवर्सरी है, ऐसे समय में आप देश को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये समझ देना चाहते हैं बुद्ध ने जो हम लोग को बोला है, जो है हम लोग को धर्म ग्रंथ है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है जी नहीं, सबसे अहिंसा किसी के साथ हिंसा करके नहीं रहना है और सबके साथ मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है नहीं जी, सहनशीलता किसी के साथ रिश्वत करके कोई फायदा नहीं, सहनशीलता सबसे बड़ा चीज जी, ये सब करके रहना है। इसलिए हम लोग अभी ये जो अभी का हम लोग का समाज है इसमें बहुत जरूरी है, इसलिए भाईचारा बना के सबको चिंतित रहना बहुत जरूरी है, और हमसे हिंसा नहीं करना है, ये बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे गोपाल सर को, जिन्होंने इतने इत्मीनान से भगवान का बर्थ एनिवर्सरी के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में बताया। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम फिर मिलेंगे आपके साथ और देते रहेंगे जानकारियाँ।
कोही मानेकै छैन भगवतो अरहतो। नमस्कार, आप जब कुंभ में आएंगे तो यहाँ की सबसे अच्छी बात तो यह है कि देखिए, आप जब प्रवेश करते हैं तो देखेंगे यहाँ हर तरह का प्रसाद प्रभु को चढ़ाया जाता है, बुद्ध भगवान को, नैवेद्य, फल फूल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट्स, ये हर एक चीज़ प्रसाद के रूप में कहा जाता है, हरि के हजार रूप। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्ध भगवान विष्णु भगवान का 9वां अवतार हैं ऐसा माना जाता है। आप जब कभी भी कुंभा परिसर में आते हैं, एक अलग ही मन को, हृदय को शांति का अनुभूति होता है। आप कभी भी आके महसूस कर सकते हैं, यहाँ की बात ही निराली है। ये परिसर अपने आप में एक आभा, सकारात्मक आभा, पॉजिटिव वाइब्रेशन का प्रतीक है। जब कभी भी किसी को शारीरिक असुविधाएं होती हैं, कष्ट होती हैं, तो परिसर में आकर के यहाँ के मेमे से, लामा जी से वो जब झरवाते हैं, उनका अविलंब शरीर स्वस्थ हो जाता है, दुख कलेश दूर हो जाता है। इतनी शक्ति है हमारे बुद्ध भगवान का। ये आप देख पा रहे हैं छेमी रूम, जहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जाता है, और ये खोरले कहते हैं इसे, 108 होते हैं ये मंदिर के चारों तरफ में। इसमें ओम मामे पेमे हूँ मंत्र लिखा होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। आप जब इसे घुमाते हैं तो जाने अनजाने में आपसे कोई दोष हुई है, कोई त्रुटि हुई है, कोई पाप हुई है, वह कट जाता है। यहाँ पे एक अलग ही देख पा रहे हैं आज भगवान का 2567th बर्थडे एनिवर्सरी है। ऐसे सजा दिया गया है गुंबा परिसर को, गुंबा को, कि लग रहा है कि स्वर्ग में एक हो, और उसमें ये बुद्धम शरणम गच्छामि, इसकी तो अपनी बात ही निराली है, धम्मम शरणम गच्छामि। मैं पंकज, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24/7 के सौजन्य से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे अपडेट्स लेके, फिर हम मिलेंगे। आप सब पे भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद।